तो जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे बल्किंग के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग किन किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दो मिथ बताऊँगा जो कि हर बिगिनर के दिमाग में, हर जिम जाने वाले के दिमाग में, जो अभी नया नया जा रहा है उसके दिमाग में दो मिथ आते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हाउ यू कैन डू योर फर्स्ट बल्क। तो सबसे पहला मिथ जो हर बिगिनर के दिमाग में आता है वो ये है, वो सोचता है कि चीज़ें उसी हिसाब से चलती हैं जैसा वो सोच रहा है। इसका मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो वो लड़का भी कुछ इस तरीके से दिखता है, खैर ये मेरी फ़ोटो है, ये मैं पहले ऐसा दिखता था, तो वो सोचता है कि मैं ना एक बल्क करूँगा 3 से 4 महीने का और मैं डायरेक्ट साकेत जैसा दिखने लग जाऊँगा या तो मैं डायरेक्ट प्रेम जोशी जैसा दिखने लग जाऊँगा। तो ये तो चीज़ होगी कि वो सोच रहा है ऐसा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं 3 से 4 महीने का ऐसा बल्क कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट ऐसा दिखूँगा या फिर डायरेक्ट वैसा दिखूँगा। ये तो बहुत गलत चीज़ है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए आपको। चीज़ें रियल वर्ल्ड में ऐसे काम भी नहीं करती, रियल वर्ल्ड में चीज़ें ऐसे काम नहीं करती कि आप ऐसे हो एक महीने चार पाँच महीने का आपने बल्क किया और आप ऐसे हो गए। रियल वर्ल्ड में चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, धीरे धीरे आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। इन लोगों ने भी कुछ 1 महीने का बल्क करके 2 महीने का बल्क करके ऐसी फिजिक अचीव नहीं करी है, इनको भी ईयर्स लगे हैं। सो तब जाके इनको ऐसी फिजिक मिली है, इन्होंने वो फिजिक अचीव करी है। तो ये चीज़ तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें वैसे वर्क करेंगी जैसा कि आप सोच रहे हो, रियल वर्ल्ड में चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं। सेकेंड में जो रहता है वर्कआउट के रिलेटेड, ज़्यादातर बिगनर्स के दिमाग में कि अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं अपना, तो हम अगर बल्किंग पे हैं तो हमको ज़्यादा वेट लेना है और उससे कम रैप लगाने हैं, और अगर हम कटिंग पे हैं तो हम कम वेट लेंगे और ज़्यादा रैप लगाएंगे। वो सोचते हैं कि अगर हमने ज़्यादा रैप लगाए बल्किंग फेज़ में, अगर हमने ज़्यादा रैप लगा लिए तो हमारी कटिंग हो जाएगी, कटिंग फेज़ में ज़्यादा कम रैप लगा लिए तो हम बल्क पे चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपके ट्रेनर ने या फिर आपके किसी जिम वाले ने बताया होगा कि ऐसा करने से आपकी बल्किंग होगी, ऐसा करने से आपकी कटिंग होगी। इसको तो इग्नोर करें एकदम, आपको ट्रेन करना है, आपको वर्कआउट करना है अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर आज आपकी स्ट्रेंथ है कि आप इंक्लाइन बेंच पे 15 kg के डंबल से 12 रैप लगा रहे हैं, तो आपको उस 12 का करना है 15। उसको मेरे 12 का 15 कहने से मेरा मतलब है आपको ट्रेन करना है टिल फेलियर, भले आप कटिंग सेशन में हो चाहे आप बल्किंग सेशन में हो। यस, अगर आप बल्क में हो तो आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप 2.5 kg इंक्रीज कर सकते हो, 5 kg इंक्रीज कर सकते हो, बट वो उसी लिए क्योंकि आप अभी बल्किंग में हो, कैलोरीज सरप्लस में खा रहे हो, तो आपकी स्ट्रेंथ में फ़र्क आ रहा है। और अगर आप कटिंग में रहते हो तो थोड़ी सी आपकी स्ट्रेंथ कम रहती है, उस टाइम आप कैलोरी डेफिसिट में खाते हो, तो उसी वजह से आप वो वेट नहीं उठा पाते जो आप पहले उठाते थे। सो वो एक मिथ बना दिया है लोगों ने कि कम वेट से ज़्यादा रैप और ज़्यादा वेट से कम रैप, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ट्रेन कीजिए। अब हम बात करते हैं कि हाउ यू कैन डू योर फर्स्ट बल्क। सबसे पहले तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस में खाने से मेरा क्या मतलब है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं कि अगर आप वो कैलोरीज में कंज्यूम करोगे, वो कैलोरीज कंज्यूम करोगे, तो आपकी जो बॉडी वेट है, आपका जो बॉडी वेट है, मसल मास वगैरह है, वो सारी चीज़ मेंटेन रहेगी। मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने का सबसे आसान तरीका है, आप गूगल पे जाइए, कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च कीजिए और उसमें अपना हाइट वेट वगैरह जो भी चीज़ पूछ रहा है वो फिल कीजिए, और फिर उसके बाद वो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। और अब आपको क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी पता चल गई है, तो आपको बस उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाना है। थोड़ा सा ज़्यादा खाने से मेरा क्या मतलब है कि आप जैसे आपकी अभी दिन में 3 मील ले रहे हो, तो उस 3 मील को आप कोशिश करिए कि 4 मील करें, और जब वो आपकी 4 मील हो जाएगी तो उसमें आप प्रोटीन्स ऐड कीजिए, प्रोटीन सोर्सेज ऐड कीजिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर सोया चंक्स वगैरह ऐड कीजिए, नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स चिकन ये सब ऐड कीजिए, मगर आपकी मील्स में प्रोटीन सोर्सेज होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो अब आपने कैलोरी सरप्लस में भी खा लिया, बट आप फिर भी बल्क नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आपके गोल्स अनरियल होते हैं। स्टॉप मेकिंग योर अनरियल गोल्स डेट यू कांट अचीव, ऑलवेज मेक अ रियल एंड अचीवेबल गोल। मतलब कि आप ऐसे गोल्स बना लेते हो कि मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाऊँ, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मिथ में बताया था कि अगर आप ऐसे दिख रहे हो तो आप एक बार बल्क करके 4-5 महीने का बल्क करके ऐसा नहीं दिख सकते। डेट इज़ एन अनरियल गोल। आपको हमेशा अपने गोल्स रियल बनाने हैं जिसको कि आप अचीव कर पाओ और वो चीज़ रियल वर्ल्ड में काम करे।
रियल वर्ल्ड के हिसाब से आपको चलना है, जैसे रियल वर्ल्ड में चीज़ें काम करती हैं, आपको उस हिसाब से अपने गोल्स भी बनाने हैं, सेट करने हैं और उसको अचीव करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।